मेरे चैनल में खुश आमदीद। दफन करना या दफन होना ख्वाब में कैसा है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने देखा कि उसका इंतकाल हुआ है और दफनाया गया तो खाली हाथ लंबा सफ़र करेगा। किसी ने देखा कि इसको जिंदा दरगोर कर दिया गया और अगर वो दफन करने वाले को पहचानता है तो इसका मतलब है कि उस पे कोई शख्स जिसको वो पहचानता है वो जुल्म करेगा या उसको कैद किया जाएगा। अगर देखा कि इसको दफनाने के बाद मर गया तो इसी गम के सबब उसका भी इंतकाल होगा। अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया तो ये हलाकत से ताबीर करता है। अगर इसको लहर में उतारा गया है तो ये घर मिलने की दलील है और अगर उस पर मिट्टी भी डाल दी गई है तो ये माल मिलने से ताबीर है। बाज़ उलमाए ताबीर कहते हैं कि ख्वाब में दफन होना दीन में फसाद वाक़िया होने की अलामत है और इससे जिंदा सलामत निकल आना इसके उल्ट है। ख्वाब में दफना कर मिट्टी डालकर हाथ झाड़ना तौबा से मायूसी की तरफ इशारा है। किसी ने लिखा है कि अगर घर में उलमा में से कोई आलम या हुक्मा में से कोई हाकिम मदफून हो और उसने उसको जिंदा निकाल लिया तो इल्म व हिकमत का वारिस होगा और उस फन में ताक होगा। अगर देखा जाए कि तलुए शम्स या जोहर के वक्त या वक्त मगरिब में दफन कर दिया गया तो अमल बिल मारूफ और नहीं अन मुनकर करेगा। किसी जिंदा को दफन करना साजिश और धोखा देने की दलील है। ख्वाब में मुर्दे का किसी जिंदा को दफन करते हुए देखना, कर्ज में घिर जाना या किसी ऐसे काम में लग जाना है जो ख़त्म होने की पे नहीं आएगा। ख्वाब में मुर्दे को दोबारा दफन करना सरजर्द होने वाली बुराई से चश्म पोशी पर दलालत करता है। ख्वाब में मुर्दे को दफनाते हुए देखना रिश्तेदारों में सच्ची मोहब्बत पैदा करने की तरफ इशारा है। कभी दफन करना कैद होना, निकाह करना या अमानत रखने से भी इबारत है। किसी ने ख्वाब देखा कि वो मर गया या दफना दिया गया तो गुनाहों से तौबा नहीं किया। ख्वाब में कब्र से निकलना गुनाहों से तौबा करने की दलील है। ख्वाब में जिंदा दफन किया जाना कैद होकर तंगी में वाकया होने की अलामत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।